समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पहुंचे मैनपुरी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल आज मैनपुरी पहुंचे, जिसके बाद यहां पहुंचने पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो इस समय सरकार है वो किसान, नौजवान और महिला विरोधी है। आज पूरे प्रदेश में गुंडा राज है, पूरे देश और प्रदेश में जबरदस्त महंगाई है। इस प्रदेश की योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग अपने समाज को आंदोलित कर रहे हैं। हम लोग 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पिछड़े समाज का भला इस राम मंदिर की लड़ाई से नहीं होगा, उनका भला इस देश की राजसत्ता से होगा। मंदिर में सिर्फ शोषण है। अब इस देश और प्रदेश में ना मंदिर का मसला रहेगा, ना हिंदू और मुसलमान का मसला रहेगा। अगर कोई मसला है तो वो सिर्फ राजसत्ता पर काबिज होने के लिए ही है। आज हम सभी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अखिलेश के साथ है। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि इस प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है वो सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है। पूरी तरह से पूरे प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो गया है। देश और प्रदेश में इतनी जबरदस्त महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के खिलाफ और किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़वा कर कुछ चढ़वा दिया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी का सामाजिक रूप से पाल बघेल धनगढ़ समाज के लोगों के लिए संदेश देने के लिए यह संवाद यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, हर जनपदों में चल रही है। ये 5वें चरण की संवाद यात्रा है। आगरा से चल करके 5वें चरण में फिरोजाबाद और इधर एटा, चौथे दिन मैनपुरी में कल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज हम लोग यहाँ से कन्नौज जनपद के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाल समाज द्वारा आयोजित एक सम्मेलन है। इस प्रदेश में इस जुर्मी सरकार को फाड़ फेंकने के लिए हम लोग अपने समाज में को आंदोलित कर रहे हैं और पाल समाज पूरी तरह से वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब करेगा और अपने आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्षरत है। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, चुनाव आते ही या तो राम मंदिर तो मुद्दा खत्म हो चुका है, अब उन्होंने नया मथुरा वाला शुरू कर दिया, ट्वीट भी किया था किसी प्रकार मोदी ने, उसको क्या कहेंगे? अब पिछड़ा समाज पूरी तरह से और दलित समाज माइनॉरिटीज के लोग पूरी तरह से जान गए कि पिछड़ी जातियों का भला इस राम मंदिर की लड़ाई से नहीं होगा, पिछड़ी जातियों का भला इस देश की राजसत्ता से होगा। वो जानते हैं कि राम मंदिर में केवल शोषण है, मथुरा को लेकर के, हाँ मथुरा को लेकर के। अब वो मंदिर वंदिर का मामला नहीं है, ये राजसत्ता का मामला है। पिछड़ी जात के लोगों ने इस बात का संदेश 2022 में देने जा रहे हैं। इस प्रदेश में और देश में न मंदिर का मसला रहेगा, न हिंदू और मुसलमान का मसला रहेगा। केवल मसला है तो राजसत्ता पर काबिज होने के लिए पिछड़ी जात सभी लोग अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए आगे आकर के माननीय अखिलेश यादव जी जो माइनॉरिटीज़ के लिए, पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, ये पूरा समाज समझ चुका है। मैं तो समझ रहा हूँ कि इस प्रदेश में पूरा पाल समाज, बघेल समाज, धनगढ़ समाज समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हो गया है और मस्जिद और मंदिर की लड़ाई में नहीं, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में नहीं, केवल अपने अधिकारों और हकों को प्राप्त करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ दे रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।